मंत्री जी को तो ये सोचना चाहिए, मध्य प्रदेश से 29 से 29 सीटें आई हैं, आपको तो गर्व होना चाहिए मध्य प्रदेश के युवाओं पे। आप नियुक्ति पत्र जारी करो, वेटिंग करो, वेटिंग लिस्ट जारी करो, वेटिंग लिस्ट क्लियर करो। अगर हमारे साथ न्याय नहीं होता है तो हम कब तक सड़कों पे रहेंगे। एमपी में शिक्षक भर्ती हमेशा से ही विवादों में रही है, इसी को लेकर वर्ग 3 के उम्मीदवार राजधानी भोपाल में आंदोलन करने पहुंचे हैं। तो चलिए जानते हैं कि उनकी क्या क्या मांगे हैं। हम प्राथमिक शिक्षा के उत्तीर्ण अभ्यर्थी हैं और हम करीबन 2 साल से परेशान हैं। आपकी मांगे क्या? हमारी मांगे प्रमुख 4 मुद्दे हैं, जो कि एक तो हमारे OBC के अभ्यर्थी जिनको बिना किसी कारण के नियुक्ति पत्र रोके गए और कोई भी आदेश DPI से ऐसा नहीं निकला जिससे हमें ये अनुभव हो सके कि हमारे इस कारण से नियुक्ति पत्र रोके हैं। जो सामान्य प्रशासन विभाग का एक आदेश आया था 27 जनवरी 2024 को शुद्धि पत्र, जिसमें ये मेंशन था कि उसके बाद जो रिजल्ट रुके हुए हैं उनको 87% में लिस्ट जारी की जाएगी और 13% होल्ड किए जाएंगे, जबकि हमारे जो नियुक्ति प्रोसेस है जो वर्ग 3 की 2020 की, हमारा जो है रिजल्ट है 8 अगस्त 2022 को आ गया था और उसके बाद पहली काउंसिलिंग मार्च 2023 में हुई और सेकेंड जो है 10 अगस्त 2024 को 2023 को, तो फिर उसके बाद भी हमारे होल्ड क्यों किए गए। और दूसरी बात यह है कि हमारे जो वेटिंग लिस्ट है, इन्होंने क्या किया, एक ही लिस्ट निकाली जिसमें मेरिट और वेटिंग का इन्होंने मेंशन कर दिया कि मेरिट और वेटिंग एक ही है, और जो प्रोसेस मेरिट सूची वाले अभ्यर्थी की होती है वो हमारी कराई गई। हमारा इसमें क्या कसूर है, आपने सारी प्रोसेस करवा लिया, अब हमको बीच में अटका दिया है। अगर हम ये चाहते हैं कि हमारे है जो नियुक्ति पत्र जारी किए जाएँ OBC होल्ड अभ्यर्थियों के जो बिना किसी कारण के किए गए हैं और साथ में जो वेटिंग में हैं जिनको हमको वेटिंग में रख दिया है मतलब बिना किसी उसके, तो हमको भी नियुक्ति पत्र दिए जाएँ। साथ में माननीय हाईकोर्ट का एक आदेश आया है 18 मार्च 2024 को जिसमें बच्चों ने पिटीशन लगाई थी, तो उसमें 2 महीने का टाइम दिया गया था प्रयोगशाला की भर्ती के लिए, वो भी पूरा हो गया है लेकिन अभी तक प्रोसेस चालू नहीं की गई है। हमारा यही उनसे अनुरोध है कि 1696 पद भरे जाएँ प्लस 525 जो पहली काउंसलिंग के बचे हुए थे, मैं आपको दिखा देता हूँ, ये आप देखिए 525 पद जो अभी माननीय हाईकोर्ट का आदेश है उसका भी पालन नहीं किया जा रहा अभी तक, है ना। ये आदेश है ये प्राथमिक शिक्षक प्रयोगशाला शिक्षक, और मैं आपको बताता हूँ जो 525 पद हैं ये वाले अभी तक इनको नहीं भरा गया है, हमारे इसमें क्या कसूर है। और आप ये देख लीजिए शुद्धि पत्र है ये जो 27 जनवरी 2024 का, हमारे होल्ड करने का कारण ही क्या था, जब क्यों किया था होल्ड। मैम ये बहुत हमारे साथ अन्याय हुआ है, तो हम चाहते हैं हमारे साथ न्याय किया जाए। अगर हमारे साथ न्याय नहीं होता है तो हम कब तक सड़कों पर रहेंगे। अब फिर तो बहुत से अभ्यर्थी ओवरेज भी हो रहे हैं तो उनका भी तो देखना पड़ेगा। तो 2018 में जैसे कि वर्ग 3 की पदरद्दी का आदेश दिया गया था लेकिन वो भी मांगे पूरी नहीं करेंगी, तो आपको क्या लगता है आपकी ये मांगे पूरी की जाएंगी? मैम हमने भी पदरद्दी की बहुत सारी मांगे की हैं लेकिन हमारी एक भी नहीं सुनी गई है अभी तक। हम चाहते हैं कि आप जो 2024-25 के सत्र में अभी एक डाटा इन्होंने पेश किया था शिक्षा विभाग की तरफ से, उसमें 6000 पद खाली बताए गए थे, अगर आप उस तरीके से नहीं करते तो 6000 पद बढ़ा दीजिए, हमारा उससे सॉल्यूशन कर दीजिए। मतलब हमें तो नियुक्ति पत्र चाहिए क्योंकि हम बहुत परेशान हैं, 2 साल से निरंतर मांग कर रहे हैं। प्रयोगशाला शिक्षक भर्ती की के लिए भी 20 मई का आदेश दिया गया था कि नियुक्ति की जाएगी, हाँ, तो इसकी भी नियुक्ति नहीं की गई है, इसकी भी मांगें पूरी नहीं हुई हैं। तो आपकी जो ये 4 मांगें हैं आपको क्या लगता है कहाँ तक पूरी हो सकती हैं? मैम हमारी जायज़ मांगे, इसमें कुछ भी गलत नहीं है, इन्होंने बिना कारण के तो नियुक्ति पत्र रोके हैं OBC के अभ्यर्थियों के, साथ में जो सबकी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवा ली है जो कि वैसे मेरिट सूची और वेटिंग सूची अलग आती है आप भी जानते हैं, फिर भी इन्होंने एक ही चीज़ करवा ली, मतलब मेरिट सूची का जो होता है वो हम अभ्यर्थियों का भी करवाया, उसके बाद फिर भी हमारी अभी तक प्रोसेस चालू नहीं की गई, तो ये कहना कि हमारे साथ धोखा ही है। तो हम ये चाहते हैं कि माननीय हाईकोर्ट का पालन किया जाए, इसलिए 1696 जो पद हैं ट्रैवल जो प्रयोगशाला के उनको भी भरा जाए, क्योंकि संयुक्त काउंसलिंग होती है तो DPI उसकी काउंसलिंग करता है, तो उनको भी भरा जाए, और साथ में जो दिव्यांगों के साथ जो भी फर्जी दिव्यांग बाहर निकले उनकी जगह भी उनको भी न्याय दिया जाए। ये हमारी प्रमुख 4 बिल्कुल जायज़ मांगे, हम तो कुछ कह नहीं रहे मैम। अगर आपकी मांगे पूरी नहीं की जाती हैं तो आप आगे क्या करेंगे? आगे फिर क्या, हम ये सड़कों पर ही हैं, भूख हड़ताल करेंगे, आमरण अनशन करेंगे, और क्या कर सकते हैं बताओ। और मंत्री जी को तो ये सोचना चाहिए, मध्य प्रदेश से 29 से 29 सीटें आई हैं, आपको तो गर्व होना चाहिए मध्य प्रदेश के युवाओं पे। आपने आश्वासन दिया, हमें कई बार आश्वासन दिया, हमने आश्वासन का पालन किया पूरे मध्य प्रदेश के लड़कों ने। अरे मान लीजिए कोई एक दो निराश भी रहा होगा तो फिर भी 29 से 29 सीट कैसे आ गए। आपको तो गर्व होना चाहिए मध्य प्रदेश के अभ्यर्थियों पर, इतना कुछ पीड़ित करने के बाद भी आपको सपोर्ट कर रहा है उन्होंने, कहीं ना कहीं कराई है तभी आज 29 में 29 सीटें हैं। सबसे पहले तो इन लोगों ने 11,500 लोग 11,500 का रोस्टर जारी कर दिया कि ठीक है इन लोग का सिलेक्शन हो गया ना, उसमें वेटिंग और चॉइस फिलिंग सब इकट्ठा कर दिया, तो वो भी क्लियर नहीं किया, जबकि फर्स्ट काउंसलिंग में सारी प्रोसेस अलग अलग हुई थी, तो एक ही भर्ती की प्रोसेस ये दोनों काउंसलिंग में अलग अलग करवाई। उसके बाद सारे वेरीफिकेशन हो चुके हैं, जिला लेवल तक का वेरीफिकेशन हो गया है, बस अब वो नहीं आ रहा है हमारे पास। तो जैसा कि आपने देखा कि उम्मीदवार लगातार अपनी मांगे कर रहे हैं, अब देखना ये होगा कि इनकी मांगे पूरी होती हैं या नहीं।
देखते रहिए बंसल न्यूज डिजिटल। मैं उज्जवल राय, कैमरा पर्सन मोहम्मद औसाफ के साथ। यदि आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। आप हमारे WhatsApp चैनल बंसल न्यूज को फॉलो कर हर दिन लाइव अपडेट्स भी पा सकते हैं।